हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। दोस्तों, आज मैं लेकर के आई हूँ अमेजोन शॉपिंग हॉल, और इसमें मैं अपने बिंदी कलेक्शन में, जो मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे आईटेक्स की बिंदियाँ चाहिए, और वो मुझे मिल गई फाइनली अमेजोन पर। लेकिन उसमें ना बहुत ज़्यादा साइज़ मुझे नहीं मिले, तो मैंने जो साइज़ मुझे पसंद है, मेरा फेवरेट है, वही मंगा लिया है। और कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में दोस्तों बिंदियाँ मुझे रिसीव हुई हैं, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ी हैं, क्योंकि इस पर मुझे एक एक पत्ते पर ही 80 रुपीज़ का चार्ज लगा है। लाइक तीन साइज मैंने अलग अलग ऑर्डर किए थे, तो तीनों पे मुझे 240 रुपये, ऑलमोस्ट 250 रुपये तो सिर्फ शिपिंग के देने पड़े हैं इन बिंदियों के, और 250 रुपये तो इसकी कॉस्ट भी नहीं है। बट क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इन बिंदियों का पे किया है 690 रुपीज़। यस, एंड कोई बात नहीं, चलिए अब मैं आपको ये बिंदियाँ ओपन करके दिखा देती हूँ। एंड 140-120 कुछ इस तरीके का ही इसका प्राइस था। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पूरा सेट मिल रहा था, अलग से एक पत्ता बिंदी का नहीं मिल रहा था, इस वजह से मुझे ये पूरा सेट लेना पड़ा। एंड अभी मेरे पास रिलीफ है पूरा रिलैक्स होकर के, कि अच्छे से ये बिंदियाँ मैं काफ़ी टाइम तक इस्तेमाल कर सकती हूँ और मुझे भटकना नहीं पड़ेगा। एंड मैंने अमेजोन पर देखा कि वहाँ पर ना वहाँ पर लिखा आ रहा था कि ओनली वन लेफ्ट इन स्टॉक, ओनली टू लेफ्ट इन स्टॉक, तो मुझे लगा भैया इससे पहले कि ये बिल्कुल ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाए ले लो। और मैं कई सारे शॉप्स पर भी ढूंढती आई हूँ, तो देखिए आप इस तरीके से, आई एम सॉरी, आप देखिए कुछ इस तरीके से मैंने ये एट नंबर की बिंदी ली है, जिसमें ना 10 पैकेट है, 1 2 3 4 5 6, हाँ, तो ये 10 पैकेट का एक का पूरा ये बिंदियों का पत्ता का सेट है, जिसमें मैंने ये एक ओपन कर लिया है, और कुछ इस तरीके का है। सी, आप यहाँ पर देखिए बिंदी की क्वालिटी, मैं इसलिए आपसे कह रही थी कि ये बिंदियाँ बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, और मुझे पर्सनली ये वाली बिंदी, ये वाला साइज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे फेस पे जाता भी है, इस वजह से मैंने ये लिया है। एंड यहाँ पर देखिए रेड कलर जो है एक ही था, और एक पूरे एक सेट था मतलब रेड कलर का, तो ये मैंने ले लिया। आई डोंट नो अभी करंटली आउट ऑफ स्टॉक है कि स्टॉक में है, ऑफ कोर्स स्टॉक में तो लाएंगे ही, वरना करेंगे क्या फिर, यू नो, इस तरीके से मे भी हो सकता है कि ये उनका तरीका हो बेचने का। दूसरा जो शेड है वो मैंने लिया है मरून कलर, और ये 9 नंबर में मिल रहा था, एंड 9 नंबर इम्पॉसिबल नंबर है, लाइक बिल्कुल मार्केट में भी 9 नंबर में बहुत रेयरली बिंदियाँ मिलती हैं, तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से 9 नंबर की बिंदियाँ और छोटी हैं, आईटेक्स की ही हैं, आईटेक्स पल्लवी ब्रांड से है। सी, ओके, और अब मैं आपको दिखा देती हूँ। तो बिंदियों का क्या है, एक मतलब एक पत्ता मेरे हर एक हैंडबैग में पड़ा रहता है, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एक पत्ता जो है मोबाइल के कवर में हमेशा साइड में रखा रहता है, क्योंकि वो बैकअप होता है, कहीं जा रहे हैं फट से बिंदी नहीं है तो निकाल ली और लगा ली। तो ये मैंने मरून कलर की बिंदी ली है, एंड इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, मैं आपको ज़रा सा ओपन करके दिखा देती हूँ। और पता है मेरी फेरी बिंदियाँ लगाती हैं, बिंदी पसंद है फेरी को, फेरी के फेस पर बिंदियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं, तो ये 9 नंबर बहुत अच्छा लगेगा फेरी के फेस पर, और फेरी बहुत क्यूट लगने लगती हैं। तो ये आप देखिए 9 नंबर की बिंदी, बहुत ही खूबसूरत, क्यूट एंड बिल्कुल एक्सट्रीम टाइनी, ओके, तो ये बहुत बहुत सुंदर लगेगा, और इसलिए मैंने ये लिया है। अगला मैंने इसमें एक बहुत ही डिफरेंट सी बिंदी ली है। पिछली बार जब मैं बिंदी कलेक्शन शेयर कर रही थी ना, तो किसी ने मुझसे कहा था आपके बिंदी कलेक्शन में तिलक नहीं है, तो मैंने कहा ये तो बात आपने सही कही भाई, तिलक मैं लगाती नहीं हूँ, तिलक वाली बिंदियाँ जो लंबी लंबी होती है ना वो, तो मैंने कहा चलो आईटेक्स पल्लवी की बिंदी मिल रही है मुझे तिलक वाली, तो मैंने देखिए कितने सारे तिलक ले लिए इतने सारे तिलक ले लिए हैं, और ये कुमकुम स्पॉट 2-in-1 बिंदी, ओके, तो यहाँ पर मैंने मैं आपको बता दूँ ये 100% ब्रीदेबल फैब्रिक से बनी है, नो हार्मफुल पीवीसी, एंटी माइक्रोबायल प्रिजर्वेटिव्स एडेड टू गम, पीएच ऑफ गम मैचेस स्किन पीएच, नो गम मार्क्स ऑन स्किन, तो ये स्किन पे कोई मार्क नहीं छोड़ती है। आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बिंदियाँ दिखा देती हूँ, इनकी क्वालिटी आप चेक कर लीजिए, कितनी कितनी ये प्यारी और क्यूटी हैं। तो चलिए आज एक तिलक लगा करके देखा जाए कि आखिर मेरे फेस पे कैसा लगेगा, मुझे पता अच्छा नहीं लगेगा, बट हाँ रेड कलर का है, और इसको ना मैं कट करके इसके कई सारे डिज़ाइन की बिंदियाँ बना सकती हूँ,
ओ माय गॉड, ये बिंदी के पत्ते पे बहुत बड़ा लग रहा है, बट ये है बहुत क्यूटू। अरे भाई लग जाओ, अरे भाई लग जाओ, तो यहीं पे स्टिक हो गई है। अब इसको सीधा किया जाए। ओ ये तो क्यूट लग रही है, बहुत छोटी सी। तो ये तिलक जो है ये मैंने लगा लिया है, और मैंने फर्स्ट टाइम तिलक बिंदी लगाई है। आई लाइक इट, इट्स नाइस। ये फेस पे ठीक लग रही है, मेरे फेस कितना बड़ा लग रहा है। कोई बात नहीं, तो मैंने इसे अप्लाई कर लिया है। एंड ये बिंदी का जो पत्ता है ये यहाँ पर दिखने में भले ही बड़े लग रहे हैं तिलक, लेकिन ये फेस पे बहुत छोटा बहुत क्यूट लग रहा है। एंड एवरी डे में ये लगाई जा सकती है। इट्स प्रिटी, इट्स ब्यूटिफुल। और ये जो मेरी स्किन इतना ग्लो कर रही है ना, मेरा लेटेस्ट स्किन केयर रूटीन ज़रूर देखिएगा। सो चलिए, अब क्या है कि ये मैंने इसमें अंदर कर दी है, और वाह, मैंने इससे पहले कभी तिलक लगाया नहीं है, मतलब लंबी वाली बिंदी। एंड ये बहुत क्यूट लग रही है, मैं इसे कल लगाऊंगी दिन में। और हाँ, इसके साथ मुझे सिम्बा की 2 बिंदियाँ इन्होंने फ्री भेजी हैं, क्योंकि मैं ये तो मैंने ऐड नहीं की थी दोस्तों, ये मुझे मिली है और ये तिलक रिसीव हुए हैं। और ये तिलक कुछ ज़्यादा ही चटक हैं, लेकिन ये रेड होते तो मज़ा आ जाता, बट ये मरून है। पास से देखिए, दोनों सेम डिज़ाइन के हैं, तो ये ना किसी को एक तिलक मैं गिफ्ट कर दूंगी, बहुत ही सेम है, इस वजह से इतने चटकीले मैं लगाती नहीं हूँ, ये मैं लगाऊंगी, ये अच्छा लग रहा है। इसमें ना ब्लैक कलर भी था दोस्तों, बट ब्लैक मैं लगाती नहीं हूँ, लेकिन मैं ना किसी दिन, अगर आप में से किसी को ब्लैक बिंदी पसंद है तो ब्लैक बिंदी का गिव अवे रख दूंगी। तो आईटेक्स की बिंदी अगर मुझे मिल जाएगी या कुछ अच्छे ब्रांड की, तो मैं ना बिंदियाँ आपको पहुँचा दूंगी। सो थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत सारा प्यार, आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और आप देखिए और आप मुझे बताइएगा कि ये मेरे फेस पे तिलक कैसा लग रहा है। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, बट क्योंकि मैंने हमेशा बहुत छोटी बिंदी लगाई है, बट आई लाइक इट। बाय। देखिए वैसे तो बिंदी के पत्ते का प्राइस 8 रुपए है सिंगल पत्ते का, बट शिपिंग चार्जेस वगैरह, अब आपको घर बैठे बैठे चीज भी चाहिए तो थोड़ा तो पे करना पड़ेगा, बट कोई ना, क्योंकि चीज बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, इसलिए मुझे ठीक लगा ये।